फिर आसिफ ख़ान आपकी खिदत में हाजिर आज हम पाकिस्तान हाउस में मौजूद हैं और जनाब हमारे साथ जो हैं वो अमीर खुरम राठौड़ साहब मौजूद हैं जो कि नए हाई कमिश्नर हैं वी वेलकम यूसर इन कैनेडा थैंक यू वेरी मच आप आए हैं और एक खुशाइन चीज़ है कि आपने आज आते ही एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया है कि सारी कम्यूनिटी के लीडर्स को और मीडिया के जो फटर्निटी है उसको आपने बुलाया और उनसे वन और वन इंट्रैक्शन किया वट यू हैव टू से अब दिस जेस्टर देखें जी दिस ये जो हमारी स्ट्रेंथ है जो हमारा एक्सपर्ट कम्युनिटी है जो हमारे डायस्पोरा के लोग हैं जो कनाडा में मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत वेल इंट्रेंसड हैं बहुत वेल स्टैब्लिश हैं तो ऑबियसली ये हमारे जो है वो हमारे लिए एक बहुत सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है और Uh, मैं चूंकि अभी नया आया हूँ यहाँ पे तो uh, जाहिर है कि आई टू मीट एवरी और फिर आगे हम इन uh, जो है वो मुलाकातें भी चलेंगी और काम भी होगा इन्शाला. तो ये जेस्टर अच्छा है तो इसको आप क्वार्टरली या सिक्स अफेयर कर देंगे uh, on the regular basis कि मुलाकातें रखें रेगुलर बेसिस पर्पस है वो वो कनेक्ट करना है डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे उनसे कनेक्ट करना है एंड मीडिया एज़ यू नो इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारी जो कम्युनिटी को इंफॉर्मेशन की डिसमिनेशन के लिए uh, जो है बहुत क्रिटिकल रोल है मीडिया का sure. तो इस हवाले से मेरी ख्वाहिश थी कि जो हमारे Uh, दोस्त अहबाब कनाडा में मीडिया की फील्ड से मुंसलिक हैं उनसे एक बिल मुशाफ़ा मुलाकात हो जाए uh, एक दूसरे को uh, जान सकें पहचान सकें और uh, फिर आगे हम चलते रहेंगे हमारी बेशक अच्छा इमरान खान साहब जो है ना हैव ही इज़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो उनके एसेट हैं ठीक है ना तो आपको आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है एक तो एक एक्सपेक्टेशन उनकी है आप लोगों से बट आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे ओवरसीज पाकिस्तानी से, से, से? <laughs> देखें जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो आप जिस विजन की बात कर रहे हैं दैट इज़ वेरी सिंपल वॉट ही मींस इज़ के ये हमारी कम्यूनिटी के लोग हमारा रियासपुरा जो मुल्क छोड़ के बाहर गया और अपनी मेहनत अपनी जहानत के बल पे उन्होंने दूसरी सोसाइटी में जाके अपने लिए अला मुकाम हासिल किया। और लेकिन सब कुछ होने के बाद जो एक ख्वाहिश बंदे के दिल में होती है विद जिसको हम कहते हैं गिव समथिंग बैक जहाँ से आप िजिनेट किए जिस मिट्टी से आपका बदन बना उसके उस उस बॉन्ड को ऑनर करने के लिए वट कैन आई गिव बैक टू माई कंट्री और दैट इज द क्रक्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स आर्ग्यूमेंट कि जो लोग कामयाब हैं जो लोग मुल्क से निकले और दूसरे माशरों में आके उन्होंने अपना अपना लोहा मनवाया सही अब उन लोगों को चाहिए कि दे दे रिटर्न बैक बैक एंड गिव समथिंग अच्छा एक और भी चीज़ पूछूंगा आपसे क्योंकि हम ओवरसीज में पाकिस्तान की ज्यादा फिक्र करते हैं इधर रहते हुए तो आप क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो केपीआईस हैं जैसे जीडीपी है या ट्रेड डेफिसिट है फॉरेन रिजर्व्स हैं उससे मुतमिन है कि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल सही सिमत में चल रहे हैं देखें इसका एक बैकग्राउंड है पाकिस्तान पिछले कुछ दहाइयों से हमारे ख़त्ते में जो जो सियासी सूरत हाल थी अफग़ानिस्तान का इशू है और बाकी इश्यूज थे तो जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस तरह नहीं हो सकी आपने प्राइम मिनिस्टर को अक्सर ही कहते सुना होगा कि ये जो वॉर ऑन टेरर थी सिर्फ इसके अंदर हमारे इकोनॉमिक लॉसेस वर मोर देन 150 बिलियन डॉलर्स yeah. तो uh, अब सो मेनी अदर लाइव्स आल्सो जी लाइव्स 80000 लाइव्स एंड एंड तो uh, अब uh, अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर है पाकिस्तान uh, में uh, बहुत ज्यादा uh, इन्वेस्टमेंट बाहर से आई है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ट्रजेक्टरी है वो अल्हम्दुलिल्ला इज इज एज यू सेड केपीआईज या जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जी वो अब तो हम हमारा हर महकमा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हर महकमा केपीआईस पे चलता है तो देर इज अ लॉट ऑफ चेंज यानी कि बैलेंस स्कोर कार्ड वगैरह बना लिए आप अच्छा जी और ट्रजेक्टरी आई थिंक सेट uh, हो गई है हुँ. अब इंशाल्लाह आगे जो है वो टेक ऑफ का टाइम है तो आपको लगता है इट्स ऑल ग्रीन लाइट अच्छा बहुत अच्छा आपने कहा इधर जैसे मैंने कहा था कि यू एक्सपेक्टिंग फ्यू थिंग्स फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानी सब, इन नो की भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं देयर फोर पॉइंट्स दैट पीपल क्वेश्चन एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट एक कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट्स जो ओवरसीज है बड़ी इन्वेस्टमेंट्स तो अट्रैक्ट कर लिया आपने गल्फ कंट्रीज से आपने चाइना से अट्रैक्ट कर ली है लेकिन ये जो इधर लोग बैठे हैं बिजनेस ओनर्स वो किस तरह से डायस्पोरा इन्वेस्टमेंट्स चार पॉइंट्स हैं जिसको आई ट्रू के नाम से कहते हैं इन्वेस्टमेंट टूरिज्म, रेमिटेंसेस, क्रिएटिंग द यूनिटी इन द कम्यूनिटी एंड द एक्सपोर्ट्स आई ट्रू तो पे इन पाँच पॉइंट्स पर आपका क्या जो है ना वो वो स्टैंड है

हमारा uh, जो पाकिस्तान uh, uh, जो ऑन द इंडेक्स ऑफ डूइंग डूइंग ऑफ ऑफ बिजनेस पाकिस्तान ने काफ़ी डेवलप किया है उसके hmm. अंदर hmm. Uh, पिछले कुछ सालों में और कोई uh, 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 केस uh, के हवाले से तो आई एम नॉट श्योर के वॉट गारंबर स्टील प्लांट तो वो कैसे जाके रीरो प्लांट लगाना चाहता है कोई इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्ट टू मिलियन थ्री मिलियन डॉलर तो वहाँ पे मसाइल आपको पता है बिजली के हैं गैस के हैं ये uh, मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री का जो हमारा एनर्जी का प्रॉब्लम था वो उतना एक्यूट नहीं रहा अब जितना कि किसी ज़माने में था uh, हमारी जो कैपेसिटी uh, है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत uh, जो है वो इंक्रीज हो चुकी है आई डोंट थिंक देर बी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एनर्जी और स्टफ बट Uh, we do have a uh, 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 commercial section here mm. or uh, we are more than willing to, uh, to facilitate any pakistani who wants to invest in pakistan. Hum individual basis, case-to-case case basis, we would be very happy.

तो सी इंक्रीज इन दैट के बाद टूरिज्म तो आपके क्योंकि सीनिक भी है रिलीजियस भी है करतारपुर बॉर्डर इस वो रादारी खुली है तो हम इधर से काफ़ी अट्रैक्ट कर सकते हैं और खान साहब कहते भी रहे हैं कि हमारे सीनिक भी अच्छा है हम पैकेज बना के दे सकते हैं तो वॉट इज इट दैट डू फैसिलिटेट देखें टूरिज्म अगेन इज वन प्राइम मिनिस्टर के जो 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 टारगेट्स हैं जो उसमें उसमें शामिल है टूरिज्म इट अटैच अटैचेस ग्रेट इम्पोर्टेंस टू तु, टूरिज्म कोविड की वजह से कुछ टूरिज्म के की फील्ड में इन दोनों मसाइल हैं लेकिन पाकिस्तान में एडवेंचर टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म वो uh, uh, चल रहा है और माशाल्लाह अच्छा चल रहा है कनाडा uh, uh, से हर साल हजारों लोग जाते, जाते हैं जाते हैं लेकिन uh, वो दैट इज नॉट सफिशिएंट बड़ा भी ये कुछ uh, कुछ नंबर्स हैं आपके पास के uh, अभी तो, तो? कोरोना के हवाले की वजह से जो है इट इज ऑल वेरी 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 शेकी लेकिन नेक्स्ट ईयर से इनशा आप ये देखेंगे कि हमारा जो ये जो रिलीज टूरिज्म का का सेगमेंट है वो ये ये भी वो, बहुत इंक्रीज करेगा गुड अच्छा जी अब हम कश्मीर की तरफ थोड़ा चले जाते हैं अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आपका उस पर क्या पोजीशन है उसका थोड़ा एबरेट कर दें सब जो जुल्म कश्मीर पे में लोगों पे हो रहा है और जो उसमें जो सबसे दुख की बात ये है कि वो लोग वो मुमालिक जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस समझते हैं वो भी इस मसले पे ख़ामोश हैं उसकी हम सबको पता है कि उसकी वजूहत क्या हैं लेकिन ये मॉरली किसी लिहाज से दुरुस्त नहीं है पाकिस्तान का इस मामले में बहुत साफ़ और बिल्कुल एक बैलेंस्ड व्यू है कि कश्मीर जो है वो एक इंटरनेशनली रेकगनाइज डिस्प्यूटेड एरिया है और उसको जो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन हैं उसके मुताबिक उसका जो लेकिन जो इंडिया में ये जो पिछले ये जो हुकूमत है जो उनका जो हिंदुत्वा का एजेंडा है उसने चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया और उसके बाद ये अभी जो है जिस प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आप इशारा किया आपने ये आ आ आ आ पाकिस्तान ने पहले भी ये किया और एक, एक दफ़ा फिर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डोजियर बना के एक एक इंस्टेंस को जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं जो जुलम हुआ कश्मीर में औरतों पे बच्चों पे एक एक इंस्टेंस को हमने रिकॉर्ड किया और सबूत के साथ दुनिया के सामने रख दिया अब ये दुनिया के ज़मीर को हम शीशा दिखा रहे हैं right. हम इनको बता रहे हैं इन सब लोगों को कि आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं आप ये देखें कि ये कश्मीर में क्या हो रहा है ऑफ uh, और उसकी अगर आप उसका सदेबाब नहीं करेंगे अगर आप उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करेंगे सही फैट इज वॉट इज राइट लास्ट ट ये सवाल कि हमारे छः कैंडिडेट्स जीत चुके हैं पाकिस्तानी जो डैसपुर है वो उनके तीन इशूज है तो ईशू एक ही लेकिन उसके तीन uh, रुख हैं एक तो स्टूडेंट वीज़ा जो चार हज़ार पे है कंसिस्टेंटली दो हज़ार पंद्रह से चार हजार है दो हज़ार uh, उन्नीस में भी चार हज़ार रहा नेबरिंग कंट्री जैसे है Uh, उसका जो है ना वो चालीस हज़ार से शुरू हुआ 2015 में और आज दो लाख पे है तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है इस पर प्रोसेसिंग टाइम uh, का इशू ज़्यादातर विजिट वीज़ा और उस बिजनेस वीज़ा के ऊपर है वो थोड़ा डिलेड है उस पर काम और ऑफिस का लोग कहते हैं कम्युनिटी कहती है कि ऑफ़िस जो है ना वो शिफ्ट होना चाहिए बुदाबी टू इस्लामाबाद ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो चीज़ ख़त्म हो जाए ये तीन चीज़ों पे कैसे हाई कमिश्नर काम करेगा देखिए जो आ, ये एस टी एस जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम की ए, जो बात है आ, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेकुलेशन भी शामिल है कि जो हमारे हम स्टूडेंट हमें हम स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में तो शामिल हो गए हुँ. लेकिन हमारे लोग जो हैं वो चार हज़ार के चार हज़ार ही हैं तो इसमें कोई साजिश है शायद लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चंद ऐसे आ, 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 फैक्टर्स हैं कि जिस, जिस पे हमें नजर जो है वो करनी चाहिए एक तो ये कि आप जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है पाकिस्तान उसमें 2019 में शामिल हुआ और उसके बाद एक COVID साल बाद जो है वो ल, बच्चों ने आना था नेक्स्ट सेशन में एडमिशन लेने के लिए लेकिन वो कोविड आ गया कोविड की वजह से बच्चे जो हैं वो उस तरह नहीं आ सके इनका प्रोसेसिंग भी जो है वो कम हो गया लेकिन जहाँ तक डिलेज़ की बात है मेरा ख़्याल है कि वो स्टूडेंट केसेस में तो एप्लीकेबल नहीं है इसलिए कि एस होने में होने की वजह से जो कनेडियन वीज़ा प्रोसेसिंग है ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो 21 दिन में उनको करनी ही करनी है चीक. या वो उसको बच्चे को वीज़ा देंगे या वो बच्चे को वीजा नहीं देंगे लेकिन दे हैव हाँ टू तो, वो डिसन ट्वेंटी वन डेज ठीक अब आ, उसके बाद जो अगली बात है कि धाबी में होना चाहिए या पाकिस्तान में होना चाहिए ओबियसली वी वुड पाकिस्तान यू एन ने अपने सारे दफ्तर पाकिस्तान में जो है वो फैमिली स्टेशन क्लियर कर दिए बाकी सारी एम्बेसीज जो हैं वो नॉर्मली फंक्शन कर रही हैं लेकिन इट इज स्टिल चूंकि कनेडियन गवर्नमेंट का इंटरनल मामला है हमारी ख्वाहिश तो है जी। कि वो ये पाकिस्तान में करें लेकिन ये उनका इंटरनल मामला है और मेरा ये मुझे उम्मीद है कि ये कुछ में So they, they, will, they will do that. Last question uh, from you is what this High Commissioner is going to do different than all the previous ones. लेकिन जी हर आदमी अपने तरीके से काम करता है मकसद सबका एक होता है हर जो भी हाई कमिश्नर यहाँ पे आएगा उसने जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है उसने पाकिस्तान और कनाडा के जो बाहमी तलक्रात हैं उनको फ़रोग देना है उसने जो हमारी कम्यूनिटी यहाँ पर जो हमारा डियासपोरा है उसके मसाइल को को केटर करना है बिज़नेस को देखना है टूरिज़म को देखना है एजुकेशन को देखना है और इसमें उस वक्त के मुताबिक जो सेगमेंट ये जो सेक्टर ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो सकता है उस पर तोज्जो देनी है तो इनशाला यही सब काम करेंगे जी बिजनेस में भी काम करेंगे एजुकेशन पे भी करेंगे टूरिज्म पे भी करेंगे और आपकी मदद रहेगी तो इनशाला कामयाबी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साहब आपसे फिर बात होती रहेगी इनशाला थैंक यू सलाकम State agents are able to incorporate themselves, put the right step forward with proper planning to grow your wealth through your corporation. Call today, Sahid Sayed from Uruj Financial. <laughs> Are you looking perfect window blind for your home, which can help you to reduce your utility bills, secure your privacy, and protect your furniture from fading by harmful heat from the sun? Sometimes find the right blinds installation company is so hard, we're here to help you. Who can give you the complete custom blinds installation according to your custom designs, quality, and colors? Our company Pen and Blinds have professional and trained staff. We are proud to offer the best custom blind services for all types of windows. From design to installation, we take each project with care and getting the job done right the first time. You will be glad to know we only use top quality material and work hard to give you the perfect solution. Visit our showroom to see the live demo in different colors and style or give us call for a free estimation. We guarantee you would not regret. Please come to our store and see how many beautiful color we have and enjoy your comfort of life. We have four location and offering free delivery US and Canada wide. Panem Blinds. Call now at 416-558-3578. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. This is for our homeless people we provide this every Saturday This is a time that everyone needs us the most, so we're trying to help as much as possible. We've done everything we can within our capacity to maintain service in certain regards, to enhance service in other areas, but most importantly, we know that now is the time for Muslim for Canada to step up to make sure that we continue to provide services to the most vulnerable.